नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। एक ऐसा शो जिसमें कमोडिटीज बाजार से जुड़ी सभी उलझनें दूर होती हैं, आपके सारे सवालों के मिलते हैं जवाब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइन नंबर, आपको उस पर कॉल करना है, अपना सवाल पूछना है। नंबर है 0222300134 या 1635। तो अभी फोन उठाइए और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, हम करेंगे आपकी मदद। लेकिन आज हमारा जो फोकस है उसके बारे में सबसे पहले हम करेंगे चर्चा। जी हाँ, कच्चा तेल हमारे रिडार पर है, एक बार फिर से कीमतों में उबाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट $86 के स्तर को आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के इंट्राडे कारोबार में छूकर उसी के इर्द गिर्द अब घूमता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी क्रूड को भी देखा जाए तो फ्रेश 7 ईयर हाइस के पास उसमें कारोबार हो रहा है, $85 के करीब। हमने $83 के पार इसको भी हमने ट्रेड करता हुआ देखा है। उससे घरेलू बाजार में उछाल देखने को मिला है और कीमतें साल भर में दुगनी हो चली हैं। अब यहां से कच्चे तेल की चाल कैसी रहेगी? क्या वो सीधा $90 पर जाके मानेगा या अब कुछ करेक्शन की संभावना है? सारे सवालों के मिलेंगे जवाब और इस पर बात करने के लिए जो मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है उससे आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं, इसके अलावा एंजल वन के प्रथमेश माल्या आज हमारा साथ देंगे, एनर्जी एक्सपर्ट, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी से होगी बातचीत, और साथ ही आज हम ग्वार पर भी करेंगे बात। आगे कृषि विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है तनेजा सर, क्योंकि हम लगातार एनर्जी मार्केट के बारे में आपसे चर्चा करते रहते हैं और आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बहुत बेहतरीन पकड़ है। मुझे बताइए सर, ये जो फिर से उबाल दिख रहा है ये सस्टेनेबल है? क्या अगला पड़ाव सीधा $90 दिख रहा है? देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं वो कोई डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल्स या डिमांड का कोई ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता हो या सप्लाई का कोई, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी क्राइसिस हमको देखने को मिल रही है यूरोप के अंदर नेचुरल गैस को लेकर के, जहाँ गैस की कमी है और उसकी वजह से वो लोग तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि गैस की जगह तेल को जहां जहां पॉसिबल है रिप्लेस कर रहे हैं ऑयल को। चाइना के अंदर जहां जहां कोयले की कमी है, क्योंकि चाइना की जो कोयले की खदानें हैं वहां पे परसों भी काफी पानी आ गया, लगभग 60 जो कोल माइंस हैं वो फ्लड उसमें बाढ़ में आ गई, वो तो वो भी ज्यादा जो है ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं। जहां जहां कमी हो रही है बिजली के निर्माण के लिए, अन्य चीजों के लिए, जहाँ कोयला प्रयोग होता था उससे पे फिलहाल वो ऑयल का कर रहे हैं। तो इस और तीसरा यही ऐसे ही कुछ हालात कई देशों में, लेकिन भारत भी शामिल है। भारत में जो डीजल बेस्ड जो पावर जनरेशन है वो बड़ा है, खदान कोयले की खदानों में भी डीजल का प्रयोग जो है वो होता है और वो बढ़ गया है। तो कुल मिला के ये जो क्राइसिस है आज की तारीख में, ये क्राइसिस की वजह से जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं और एंग्जाइटी वो रिफ्लेक्ट इसको कर रहा है। इसका ये नहीं है कि कोई डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो या सप्लाई कंस्ट्रेंट को, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना ये होगा ये कितने समय चलता है, कितने दिन या कितने हफ्ते ये क्राइसिस चलती है। ये एक एनर्जी क्राइसिस है और क्राइसिस में हमने ये देखा है कि हर एक का बिहेवियर अलग होता है। जैसे क्राइसिस में चाइना का जो रिएक्शन है वो चाइना का रिएक्शन काफी जो है एंग्शियस रिएक्शन है, क्योंकि चाइना क्राइसिस जब होते हैं उसको ठीक तरह हैंडल नहीं कर पाता, वो क्राइसिस में हमेशा पैनिक बटन दबाते हैं। यूरोप के अंदर भी हमने देखा है क्राइसिस आ गई तो उसको जो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है उसके अंदर भी हमको दिखता है कि थोड़ी सी मेच्योरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं पैनिक बटन दबाए। नरेंद्र सर, क्या आपको वाकई में नहीं लगता कि पैनिक की बात है? क्योंकि अमेरिका भी लगातार ओपेक प्लस पे यहाँ पर क्रूड उत्पादकों पे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उत्पादन यहाँ बढ़ाए, और उनकी मंशा फिलहाल ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। हमने तो उनके मेंबर्स की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हुए सुने कि अगर कच्चा तेल यहाँ $100 के आसपास भी चला गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी सस्टेन कर लेगी। तो ये सप्लाई साइड की तो दिक्कत साफ साफ दिखाई दे रही है कि अब हम पूरी तरह से कहा जाए कि ओपेक के भरोसे हैं जब तक वो सप्लाई यहां ना बढ़ाए। देखिए, ये बात सच है कि जब से वैक्सीनेशन हुआ है दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और उसके रहते हुए ऑयल की डिमांड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आ रही है और आएगी आने वाले समय के अंदर। जितना इन्वेस्टमेंट सप्लाई या प्रोडक्शन में तो वो नहीं हुआ, तो सप्लाई कंस्ट्रेंट तो आगे आनी ही आनी है अगले साल से आगे। लेकिन फिलहाल जो प्राइस आज जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में किया, वो प्राइस होने का डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, ये क्राइसिस पे वो है। ये ओपेक जरूर चाहता है कि तेल की कीमतें ज्यादा हों, लेकिन तेल की कीमत जो 85 या $90 पर बैरल हो जाए, ये रशिया भी नहीं चाहता, सऊदी अरब भी नहीं चाहता, जो भी देश जिनकी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और लंबे तमक रहने वाली है वो नहीं चाहते कीमतें इतनी ज्यादा हो जाए कि दुनिया रिन्यूएबल की तरफ जाना शुरू हो जाए तेजी से। वो ये चाहते हैं ऑयल की डिमांड बनी रहे,
इसीलिए उनको भी कहीं ना कहीं अगर 70-75 डॉलर आसपास रहता है वो उनको ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसमें दुनिया की निर्भरता तेल पर लंबे समय तक रहेगी। अगर तेल की कीमत 90 या 100 हो जाएगी तो जाहिर है लोग दूसरे विकल्पों की तरफ जाएंगे, जो उनके लिए खराब खबर होगी, चाहे वो सऊदी अरब हो। 90 डॉलर का जो लेवल है वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है? नहीं, 90 डॉलर हो सकता है अगर ये क्राइसिस 4-5 दिन और चल गया जी, है ना, तो फिर 90 भी टच कर सकता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा। ओके तनेजा सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने विजडम और अपने एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। जाहिर तौर पर जैसे तनेजा सर ने भी कहा, क्राइसिस की स्थिति है और इसी कारण से हम कीमतों को इन्फ्लेट होता हुआ देख रहे हैं, और ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। अगर ये जारी रहा तो ऑफकोर्स जैसे 86 डॉलर का स्तर दिखा है तो 90 डॉलर बस 4 डॉलर की दूरी पर है। अब समझने वाली बात होगी कि यहां पर कारोबारियों को, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अनुज, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, 86 का डॉलर का तो स्तर छू चुके हैं, घरेलू बाजार में 6300 के पास आज इंट्राडे में कच्चा तेल चला गया, क्या किया जाए? निया जी, गुड इवनिंग। देखिए, हमने जो टारगेट दिया था 6300 का, वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का ट्रेंड बना है, हालांकि लास्ट वीक हमने इन्वेंट्रीज में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई देखी थी, उसके बावजूद हमने यहाँ पर देखा है कि जो शार्प एप्रिसिएशन है वो क्रूड में देखने को मिला है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है और कंटिन्यूसली इस पर हम देख रहे हैं कि जो क्राइसिस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मेटल्स के भाव भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा, इट विल टेक टाइम टू शॉर्ट आउट। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव रहेगा इसमें, और 90 डॉलर मुझे लगता है कि जल्दी ही हो सकता है कि इसी वीक के अंदर आपको 90 डॉलर का लेवल भी देखने को मिले। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, मुझे लगता है कि इसमें जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा वो करीबन 6400 के आसपास तक हम देख सकते हैं, और करीबन 88 डॉलर तक हम ब्रेंट में यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, और वीकली टारगेट मुझे लगता है कि 90 डॉलर तक आ सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिप अगर मिलता है तो 6240 के आसपास खरीदारी करें, ऊपर में 6380 6400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदर ऑप्शन जो है वो क्रूड की ऑप्शन ट्रेडिंग है, जहाँ पर मुझे लगता है कि कॉल के अंदर ट्रेड लिया जा सकता है, 6300 6400 की कॉल को बाय कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा और ऑप्शन ट्रेडिंग भी यहाँ पर आपकी इजीली हो सकती है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर फ्रूटफुल है, जिसको ट्रेड लिया जा सकता है। प्रथमेश, मुझे उन निवेशकों के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में बताइए जिन्होंने पहले से ही पोजीशन खड़ी कर रखी है, क्या इन लेवल्स पर आपको लग रहा है कि पोजीशन होल्ड करना रिस्की हो सकता है, क्या हल्का करना चाहिए या और पोजीशंस ऐड करें? आई थिंक जिनका रिस्क प्रॉफिट प्रोफाइल अच्छा है क्रूड में और ट्रेड कर रहे हैं वो पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जिनको अपनी पोजीशन में अच्छा खासा मुनाफा दिख रहा है उनको निकल जाना चाहिए। फ्रेश पोजीशंस अगर यहाँ पे लेना है तो मेरे ख्याल से डिप में लेना चाहिए 6260 के आसपास, अगर डे ट्रेडर है। बट यस, मोमेंटम यहाँ से अभी भी तेजी का ही दिख रहा है। इमीडिएट नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट यहाँ से $3 जो करीब 85.586 के आसपास दिखाई दे रहा है। M6 में करीब यहाँ से और $3 का मूवमेंट जो है यहाँ से पकड़ लो अराउंड 180 रुपीज़ का, तो यहाँ से अराउंड 6450 और 6500 ये दो पॉसिबल लेवल्स यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी बिल्कुल बनती है, और अगला पड़ाव जहां हम M6 कच्चे तेल की बात कर रहे हैं वो 6400 का है, मतलब तेजी जारी रहेगी। और हमारे सभी विशेषज्ञ इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं कि अगला पड़ाव 90 डॉलर का हो सकता है, क्योंकि क्राइसिस की स्थिति ग्लोबल मार्केट में बरकरार है। हमने बात की कच्चे तेल की, इसी से जुड़ी एक एग्री कमोडिटी है जो इसकी चाल से अपनी चाल मिलाते हुए आगे बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं ग्वार की। अब आप ग्वार के कॉम्प्लेक्स की, पूरे इंडेक्स की बात कर ले, ग्वार सीड की बात कर ले, ग्वार गम वायदा की बात कर ले, लगातार इस कमोडिटी में नॉर्थवर्ड रैली बरकरार है। अगर हम इसी महीने की अब तक की बात करें तो इसकी कीमतों में हमने देखा है तकरीबन महीने भर में कीमतें 15% उछल चुकी हैं, एक क्वार्टर की बात करें 30% तक का उछाल, 40% से ज़्यादा का उछाल ये कमोडिटी दिखा चुकी है, कच्चे तेल से कदम ताल मिला रही है, और यही कारण है कि आज हमने देखा है यहाँ पर अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखा है। अब ये समझने वाली बात होगी कि क्या कच्चे तेल के साथ साथ इसकी कीमतों में इजाफा आएगा, या इसके अपने सप्लाई और डिमांड के फंडामेंटल्स हैं वो कोई और दिशा निर्धारित कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कृषि विशेषज्ञ पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। जरा बताइए, ये जो तेजी है ये सिर्फ कच्चे तेल की देन है या कोई और भी कारण है? नहीं, इसकी कच्चे तेल की देन नहीं है, इसका फंडामेंटल अभी अलग है जी। काफी दिनों से मैंने चैनल पे भी कहा था कि फसल कमजोर है, और जैसा कि हमारे सेमिनार में ये निकल आया गई, ये लगभग 30-35 लाख की फसल होगी और वही फसल सामने आ रही है। पहले एक बार बरसातें हुई तो ऐसा लगा था कि फसल बढ़ेगी,
किंतु उसके बाद में गंगानगर, ये आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एरिया के अंदर गर्म हवाएं चली तो फसल बढ़ने की जगह उल्टी घटने के कगार पे आ गई। यानी जो फसल हम 35 लाख मान रहे थे उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट है, एक बात। दूसरी बात है, जब किसी चीज की शॉर्टेज दिखती है, फसल की शॉर्टेज दिखती है, तो चारों तरफ से बाहर भागता है, चाहे व्यापारी हो, मिलर हो, किसान हो और एक्सपोर्टर हो। तो अभी ये भागदौड़ मची हुई है कि हर किसी को लेना है। तीसरी बात यह है कि जो फॉरेन का ट्रेड है वो अभी इतना अच्छा नहीं है, पर कब अच्छा आ जाए इसका पता नहीं है। और यदि कोई थोड़ा सा भी अच्छा इसके अंदर डिमांड आ गई तो फिर ये ऐसी कॉमोडिटी है कि जो जल्दी से अवेलेबल नहीं होगी। भावों से होगी अवेलेबल, पर अवेलेबल नहीं होगी, इसके भाव है तुरंत बढ़ेगी। तो अभी जो इसका फंडामेंटल है वो फसल शॉर्टेज का है, और हर व्यक्ति का एक तरफ भागना हो गया है कि भी हमें ग्वार लेना है या गम लेना है। शॉर्ट सेलर इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा है, शॉर्ट सेलर की तो हिम्मत ही नहीं है इसके अंदर वो एंट्री करे, क्योंकि पता ही नहीं है कि जितने भी फंडामेंटल्स आपने सामने रखे बखूबी, तो ये सब तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऊपर आप क्या भाव देख रहे हैं? आप ग्राउंड में काफी ट्रेडर्स से भी मुलाकात करते हैं, किसानों से उठना बैठना है, मुझे जरा बताइए कि क्या फील मिल रही है? देखिए, जहां तक भाव की बात है, मैं बहुत लंबे अरसे से जी बिजनेस पे बोल रहा हूँ, मैं भावों पे ज्यादा कमेंट नहीं करता। मैं भावों को इसलिए कमेंट नहीं करता कि जिस गवार, ये केमिकल है, जिसके भाव 2,000 रुपए क्विंटल से चले और 30,000 रुपए क्विंटल हो गए, जिसका गम 4,500 रुपए क्विंटल से चला और 1,05,000 रुपए क्विंटल हो गया, उसके अंदर यदि मैं भाव बताऊं या टेक्निकल वाले कोई भाव बताएं तो ये अच्छी बात नहीं है। भाव का कोई इसका अंदाज नहीं है कि इसके क्या भाव हो सकते हैं। यदि किसी चीज के भाव 2,000 से 30,000 हो जाए तो फिर ऐसे समय के अंदर जब फसल शॉर्टेज है, किसी भाव को बताना उचित नहीं लगता है। पुखराज जी, वी रिस्पेक्ट दैट थॉट और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी स्पॉट से जुड़े फैक्टर्स हैं ग्वार के वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। क्विकली अनुज, क्या सलाह होगी आपकी मौजूदा स्तरों से, जहां पर हमने अब सर्किट बनता हुआ देखा है, कल क्या सलाह होगी ग्वार में, क्या अभी भी तेजी बनती है, सेफ है एंट्री लेना? नेहा जी, देखिए आज ही ग्वार सीड ग्वार का हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट हाई टेस्ट किया है, और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ वॉल्यूम्स को देखें तो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो रैली है वो फंडामेंटली ड्रीवन है, जैसा कि पुखराज जी ने बताया। साथ में एक सेंटिमेंटल ये भी है कि जो क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं उससे भी थोड़ा सेंटिमेंटल यहाँ पर पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब जो हम नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं, मींस वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, 6,600 ग्वार सीड में और करीबन 12,000 का टारगेट हम ग्वार गम में देख सकते हैं। तो एक हफ्ते 15 दिन के लिए मुझे लगता है कि ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि लेवल आपको 2-4 दिन में भी देखने को मिले, क्योंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है और जिस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है मुझे लगता है कि आगे भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो खरीदारी की ही सलाह हमारी ग्वार सीड ग्वार गम में रहेगी। वेरी वेल। एक और कॉम्प्लेक्स पर बात हम करेंगे और वो है मेटल्स। मेटल्स की कीमतों में भी हमने धुआंधार तेजी देखी है। हालांकि जिंक, जो कि पिछले हफ्ते हमें रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड करता हुआ घरेलू बाजार में दिखा था, आज उसमें ऊपरी स्तरों से हमने करेक्शन देखा है। लेकिन आप बाकी जितने भी मेटल उठाकर देख लें, फिर चाहे वो लेड हो, निकल हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सब में हमने हरे निशान में कारोबार होता हुआ देखा है। वो सब आपकी स्क्रीन पर है। 1-2% की स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दे रही है जिंक को छोड़ के। प्रथमेश, मैं जानना चाहूंगी कि क्या मेटल कॉम्प्लेक्स में ये जो तेजी है ये आगे भी आने वाले समय में जारी रहेगी, गिवन द फैक्ट कि इसके भी फंडामेंटल्स काफी तगड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहां पर भी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से नेहा, जिस तरफ से एनर्जी शॉर्टेजेस की बात चल रही है, नॉट ओनली इन चाइना बट ऑल्सो इन अक्रॉस द ग्लोब, यहाँ पे मेटल्स के फंडामेंटल्स तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेक्शन में मेटल्स में बाय करने की कड़ाई रहेगी, बट यहाँ पे अगर मैं एक कमोडिटी पे हाथ रखना चाहूँगा तो वो कॉपर रहेगा। मेरे ख्याल से कॉपर में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है सारी कमोडिटी में। 798 के आसपास मैं इस कमोडिटी को बाय करूँगा, 795 का स्टॉप लगाऊंगा, ऊपर में टारगेट 807 के लिए रखूंगा। कमोडिटी में, इस कमोडिटी में मोमेंटम अच्छा रह सकता है। जिंक में यहाँ पे करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, अगर जिंक में किसी का बाय पोजीशन ऑलरेडी है तो यहाँ पे एग्जिट करना अच्छी पॉसिबिलिटी है, और जिंक में काफ़ी अच्छा करेक्शन होने की उम्मीद रख सकते हैं।
ओके, जिंक में आप एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। अनुज, मुझे जरा बताइए कि अगर हम एक साल में मेटल्स की चाल पर नजर डालते हैं तो सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस एल्यूमिनियम का आता है जो 70% का रिटर्न कमाकर दे चुकी है। ऑफ कोर्स इसके फंडामेंटल्स भी बीच बीच में कई बार जिम्मेदार रहे हैं उस तरह की तेजी के लिए। मुझे बताइए एल्यूमिनियम में इज देयर स्टिल स्टीम लेफ्ट, आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? देखिए, बेस मेटल में एल्युमिनियम एक अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो ईवीज़ की डिमांड हमने देखी थी वो यहाँ बड़ी है। डेफिनेटली इंडस्ट्रियल जो हमने एक्टिविटी देखी थी वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर आप डेटा को देखेंगे तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम आगे भी एक रोबस्ट ट्रेड में रहेगा। मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम करीबन 270-275 तक के लेवल यहाँ देख सकते हैं। हालांकि सभी मेटल इसमें शामिल रहेंगे मगर एल्युमिनियम मुझे लगता है कि अभी भी इसमें स्टीम बाकी है जो कि ऊपर में करीबन 270 से अगर 275 तक देखने को मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो एलएमई के अंदर इन्वेंट्री है वो काफ़ी यहाँ पे ड्रॉडाउन रही है और जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हर्ट हुआ है तो उसके यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 275 तक के लेवल आपको एक महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। प्रथमेश, इस पूरी कैटेगरी में अगर मैं साल भर के लिहाज से बात करूं तो निकल एंड लेड एक्चुअली ये कुछ अंडर परफॉर्मर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात अभी, जिस तरह के ट्रिगर्स हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं, क्राइसिस से जुड़े, पावर शॉर्टेज से जुड़े, ये इन दोनों मेटल्स को ऊपर ले जाने में और कामयाब हो सकते हैं? आपको लगता है कि निवेशकों को यहां पर अब एंट्री के मौके देखने चाहिए? मेरे ख्याल से निकल में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा बिकॉज ये कमोडिटी का यूसेज जो है बैटरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी में काफ़ी अच्छा ब्राइट स्टोरी दिख रहा है। तो अगर दोनों कमोडिटी में अगर मुझे एक कमोडिटी चूज़ करना हो तो वो निकल चूज़ करूँगा। मेरे ख्याल से निकल में अभी भी काफ़ी स्टीम बाकी है और इस कमोडिटी में अगर किसी को निवेश करना है तो ये भाव भी सही है। मेरे ख्याल से इसमें 1630 इमीडिएट नियर टर्म के टारगेट्स और अकॉर्डिंगली जैसे फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे निकल ब्राइट कमोडिटी पॉसिबल दिख सकती है 2021 में। ओके, चलिए हमने कच्चे तेल की पहले बात की थी, मैं उसके बाद एनर्जी कॉम्प्लेक्स में ही नेचुरल गैस के बारे में बात करना चाह रही थी, सो अब कर लेते हैं। एनजी में आज हम देख रहे हैं प्रेशर है, 4.25% का करेक्शन आया है, 400 रुपए के नीचे कमोडिटी आई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने जो करेक्शन आता हुआ देखा है उसी का नतीजा है कि घरेलू बाजार में करेक्शन है। अब अनुज, ये कमोडिटी है तो बड़ी वॉलेटाइल, भाग भी जाती है बड़ी तेजी से और नीचे गिरने में भी मतलब कोई संकोच नहीं है। मुझे बताइए कि ट्रेडर्स के लिए सलाह क्या होगी क्योंकि अब एक्टिवली सब इसको वॉच कर रहे हैं, क्या किया जाए इन स्तरों पे? खरीदारी बनती है या थोड़ा और करेक्शन दिखेगा? देखिए, ये कमोडिटी है जो कि हमने देखा है कि विंटर सीजन में जनरली इसमें अच्छा ड्रिवन देखने को मिलता है और ये जो करेक्शन आया है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव है। पूरे साल ही हमने इसमें रैली बनते हुए देखी है और मुझे लगता है कि अब जो सीजन है यहाँ पर अच्छी रैली और देखने को मिलेगी क्योंकि एनर्जी क्राइसिस चल रहा है तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो यहाँ पर शिफ्ट होती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये डिप आया है 390-388 के आसपास के रेट जो है यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर में 405-410 तक के लेवल यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में $7-7.5 तक के लेवल आपको जल्दी यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि शॉर्टेज डेफिनेटली सप्लाईज की यहाँ पर है और डिमांड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होती हुई दिख रही है तो डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। तो जो करेक्शन मिला है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। ओके, चलिए, क्योंकि हम पूरे घरेलू बाजार में मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, करेंसी पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो तेजी है, हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया हाल फिलहाल में पर्टिकुलरली पिछले कुछ महीनों में जो कमजोर होता हुआ दिखा है वो एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हम घरेलू बाजार में कमोडिटीज को और ज्यादा पुश, अपवर्ड पुश मिलता देख रहे हैं। तो प्रथमेश, आपकी करेंसी पर क्या राय होगी? $1 आज 75.34 के स्तर पर बंद होता दिखा है, तो मुझे बताइए यहां से क्या और वीकनेस दिखाई दे रही है गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स 94 के पार बना हुआ है? कैसे माहौल दिखाई दे रहे हैं करेंसी मार्केट के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो तो? आई थिंक गिवन द फैक्ट कि डॉलर यहां पे कंटीन्यूअस स्ट्रेंथ मोड पर ही है, यूएस इकोनॉमी जो है कंटीन्यूअसली स्ट्रांग फुटिंग पर ही है, नवंबर से जो है वो क्यूई वाइंड अप करने की बात है, मेरे ख्याल से अगर लेबर मार्केट भी ऐसे ही इम्प्रूव होता है तो मेरे ख्याल से डॉलर का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा और रुपये का मोमेंटम डिप्रिसिएशन की तरफ ही रहेगा। मेरे ख्याल से 76.3 पॉसिबल नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ पे डॉलर रुपये में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर 15 दिन के हिसाब से आप इस पर्टिकुलर करेंसी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से करीब 1-1.25 रुपये का मोमेंटम आउटसाइड की तरफ आपको देखने को मिल सकता है।
ओके, चलिए ये तो बात हमने करेंसी की, जरा एग्री स्पेस का रुख करते हैं। ग्वार ने तो आज स्ट्रेंथ दिखाई, इसके अलावा तिलहन और खाने के तेलों में हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ लौटते हुए देखी है। सोयाबीन नवंबर वायदा तकरीबन 3.5% ऊपर बंद हुआ है, 5400 के पास क्लोजिंग दिखी है। कैस्टर इसमें हमने अपसाइड में 168 रुपए की स्ट्रेंथ के साथ इसे क्लोज करता हुआ देखा है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो 8500 के पास 200 रुपए की स्ट्रेंथ हमने यहां पर भी देखी है। हाँ, आगे के यहां पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। वहीं खाने के तेलों की बात करें तो यहां पर भी हमने अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। सोया तेल पर नजर डाली जाए तो 1300 का भाव यहां दिखा है। सीपीओ पर नजर डाली जाए, क्रूड पाम ऑयल और एमसीएक्स, तो यहां पर भी हमने स्ट्रेंथ देखी है। यानी कि ऑल इन ऑल खाने के तेल तिलहन की बात करें तो यहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अनुज, मुझे ये बताइए, पिछले हफ्ते तो हमने देखा बड़ी मायूसी छाई रही तिलहन खाने के तेलों में, बट ऑफकोर्स रीजन भी था कि सरकार ने बहुत सारे यहां कदम उठाए। क्या लगता है, यहां पर फिर से तेजी लौटेगी क्या? इसके फंडामेंटल सप्लाई डिमांड के क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम सोयाबीन को देखें तो इसकी सप्लाईज कंटिन्यूस बढ़ी हैं, और एमपी की अगर बात करें तो वहाँ पर जो अराइवल्स हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा मौसम हमने यहाँ पे खराब होते हुए देखा, जिसकी वजह से सप्लाई जो है थोड़ी सी हट हुई है, मगर सप्लाई जो है आगे बढ़ सकती है। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई जो रैली है ये आगे कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर सेलन राइस का मार्केट ही रहेगा, चाहे वो सरसों हो या फिर सोयाबीन हो। हालांकि अगर हम रिफाइंड या सीपीओ की बात करें तो यहाँ पर हमने इंटरनेशनल भाव ऊपर आने की वजह से, क्योंकि क्रूड के भाव ऊपर आए हैं तो बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ने की वजह से रिफाइंड और सीपीओ में हमने तेजी आते हुए देखी है। मगर यहाँ भी हमारा व्यू अभी सेलन राइस का ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अराइवल्स बढ़े हैं, और अगर हम यूएसजे की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्टॉक्स है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, और जो स्विंग एक्टिविटी है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो, वहाँ पर दोनों तरफ ही स्विंग एक्टिविटी काफी सुधरी है। तो आगे जो प्रोडक्शन है ओवरऑल वो नेट अच्छा आने वाला है, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट आएगा जिससे भाव ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। हमारी सलाह है कि सोयाबीन रिफाइंड आरएम सीड में यहाँ पे सेलन राइस का मार्केट रखें। एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन में हमें नीचे 5000 से लेकर 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सरसों हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, यहाँ पर हमें लगता है कि नीचे 8000 से नीचे तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और रिफाइंड भी मुझे लगता है कि नीचे में 1230-1220 तक के लेवल अगेन यहाँ पर आ सकते हैं। तो एडिबल ऑयल पैक थोड़ा सा सेंटिमेंटल मुझे लगता है कि वीकनेस रहेगा। डिमांड सप्लाई में देखें तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। वेरी वेल, चलिए ये तो बात हमने कर ली। अक्रॉस द बोर्ड आज किन किन कमोडिटीज में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा है, अब वक्त होता है हमारे इस शो में रैपिड फायर राउंड का। चलिए अनुज, सबसे पहले आपकी रैपिड फायर कॉल हम सुनना चाहेंगे, जरा बताइए कौन सी कॉल है आपकी आज? हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी, सिल्वर में खरीदारी करें 63000 के आसपास, 62400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 64200 तक हो सकता है। प्रथमेश, आपकी रैपिड फायर कॉल? कॉपर में बाय करने की सलाह रहेगी, 798 एंट्री पॉइंट रहेगा, 795 स्टॉप रहेगा, ऊपर में 807 के टारगेट रहेंगे। अनुज, आपकी अगली ट्रेडिंग पिक कहां होगी? जिंक में रहेगी, जिंक में करीबन 314 के आसपास ऑलमोस्ट करंट रेट से बाय करें, 311 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट। वेरी वेल, अनुज, प्रथमेश, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किन कमोडिटीज में कमाई के मौके आज शाम के सत्र के लिए, और ऑफ कोर्स कल के मार्केट की तैयारी भी हमारे दर्शकों की आज करवाने के लिए। चलिए तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।